धागे से लगे हुए देखे होंगे, पर इतनी फिनिशिंग वाला मैं आज पहली बार देख रही हूँ। ना इन्होंने धागे का यूज कर रखा है इसमें, और बिल्कुल भी पिरूल का कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ये दीदी ने बनाया, दीदी कैसे बनाया आपने? ऐसे ही हाथ से बनाया। अच्छा, आपने पहले सीखा है कहीं? कहाँ सीखा? एक और रंडी सिखाया। और ये है छोटा वाला, दो बना रखे हैं, और हरा वाला जो पिरूल रहता है उससे बना रखा है। तो यहाँ पे बन चुके हैं इतने ज्यादा गुलदस्ते, आप देख सकते हैं। ममता जी और मेरी ड्यूटी है गुलदस्ते बनाने की, और रेनू है साथ में। और ये सरस्वती का देखो आप, ये चित्र महिलाओं ने खुद बना रखे हैं ये। और सबसे ज्यादा तैयारी माया और रेनू की ये है। गेट पे ऐसे जो है रिबन बांध दिया गया है, और कुछ महिलाएं आती रह रही हैं। नीचे से आ जाओ अभी आप लोग। चुकी है सबसे ज्यादा आफत इसकी आई है रेनू की। और इसके बाद ना अभी स्वागत गीत चल रहा है, दिखाते हैं आप लोगों को। हाँ, क्योंकि बच्चों को भी यहाँ पे ना हारमोनियम के लिए बुला रखा है। बारी बारी से आ रही, फिर उसके बाद ऐसे समोसे और फ्रूटी हो गया, और ये सारी चीजें महिलाओं। सभी लोग कार्यक्रम निपटाने के बाद घर की ओर प्रस्थान। और ये बरखा सूट के पीछे से सबसे आगे से दही का ठेका, ये देखो दुल्हन को, और ये दूल्हे के लिए टोपी, ठीक है। और ये पेटी में क्या है भाई? वो डिनर सेट। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ आशा खेतवाल, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल आशा ब्लॉग्स में। और मैं आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ बागेश्वर के बोहाला गांव से। ये देखो इतना बड़ा हम लोग क्या लेके जा रहे हैं ममता दी के हाथ में, देखो। क्योंकि यहाँ पे गाड़ी में बैनर का ये हाल है, गाड़ी में हम लोग कैसे आए हम ही जानते हैं। इतना सारा सामान, जब कागज ऐसे मुड़ सकता है, हम तो इंसान हैं। हाँ, इंसान कैसे मुड़े होंगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं। तो आज यहाँ पे कोई प्रोग्राम है बहुत बड़ा, और बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे आने वाली है आज। और तो अभी आप लोगों को दिखाएंगे हम लोग, क्योंकि पहले तो हम लोग थोड़ा सा जल्दी आ गए हैं, तैयारी करनी है, और उसके बाद फिर जाके जिस काम के लिए आए हैं वो काम होगा। तो आप लोगों को हम लोग दिखाएंगे। अभी तो हम फिलहाल पहुँच ही रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि स्कूल में है ये प्रोग्राम, साथ में ममता दी भी हैं, चंपा अभी पीछे ही है। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे, और जहाँ पे आज उद्घाटन होना है, और यहाँ पे चल रही है तैयारी। और मतलब सबसे पहले यहाँ पे लोहनी जी पहुँचे। सर आप कितने बजे पहुँचे यहाँ? तो सर यहाँ पे 10 बजे पहुँच गए थे, हम लोग पहुँचे कितने बजे? अभी कितना टाइम हो रहा है पहले यही बतानी है। 11:30 लगभग हम लोग, मतलब 1-1.5 घंटा पूरा लेट हैं। और पीछे आप देख सकते हैं महिलाएं भी आ चुकी हैं, और अभी मतलब सारी महिलाएं नहीं आई हैं, सारे जब आ जाएंगे उसके बाद तैयारी होगी। और यहाँ पे तैयारी चल रही है, माया ने कर रखी है ये तैयारी, शायद माया और रेनू ने। ये फूल वगैरह लेके आए हैं, और ये साइड में बने हैं सारे चार्ट वगैरह, और चटाई बिछाई जा रही है उधर साइड से, आप देख सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा महिलाएँ हैं तो नीचे, इसलिए ये हॉल बहुत बड़ा हॉल है, इसी हॉल में व्यवस्था की गई है बैठने की। और यहाँ पे ये देखो ऐसे तैयारी चल रही है। अभी ये देख सकते हैं हम, ये टेरिंग का कपड़ा है, इसको हम वहीं से लेके आए हैं, और इसको लगाएंगे हम इसमें ऐसे। ये देखो जैसे हम लोग तैयारी कर रहे थे ना, तो ये दीदी ने बना रखा है ये, आप देख सकते हैं। पिरूल के तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, पर मतलब धागे से लगे हुए देखे होंगे, पर इतनी फिनिशिंग वाला मैं आज पहली बार देख रही हूँ। ना इन्होंने धागे का यूज कर रखा है इसमें, और बिल्कुल भी पिरूल का कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ये दीदी ने बनाया, दीदी कैसे बनाया आपने? ऐसे ही हाथ से बनाया। अच्छा, आपने पहले सीखा है कहीं? कहाँ सीखा? एक और रंडी सिखाया। अच्छा, एक महिला ने सिखाया। देख लो, मतलब ऐसी महिलाओं को आगे लाना चाहिए, और इनको ना ट्रेनर के तौर पर रखना चाहिए। इतनी अच्छी चीज, कितना टाइम लगता है इसको बनाने में? 15-20 मिनट इसको बनाने में। अगर मैं आऊँ आपके वहाँ सीखने के लिए, सिखा दोगे मुझे? हैं? हाँ, तो ये है
ये आप देख सकते हैं, ये इतनी अच्छी चीज बना रखी है और इसमें पेन वगैरह रखने के लिए। और ये है छोटा वाला, दो बना रखे हैं, और हरा वाला जो पिरूल रहता है उससे बना रखा है। इन्वेस्ट मतलब कि कुछ भी नहीं है। अगर इसमें हम, ये दीदी बता रहे कि अगर हम इसमें कलर कर देंगे तो ये और भी ज्यादा पक्का रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा मतलब। तो ये है, इसमें फूल रखे जा रहे हैं अभी ये, और यहाँ पे लगाया जा रहा है बैनर देखो। और जो ये यहाँ का जो क्लस्टर का नाम रखा है लक्ष्य, कितना अच्छा नाम रखा हुआ है, लक्ष्य आजीविका स्वायत्त सहकारिता करके ये है। और ये दीदी बना रहे हैं फूल के गुलदस्ते, और ये सर कर रहे हैं तैयारी, और चंपा भी लगी है, और माया भी लगी है। माया तो 5-6 दिन से इधर ही है मतलब ड्यूटी पे, और ये गुलदस्ते तैयार हो रहे हैं, और ये गुलदस्ता ये हो चुका है तैयार, और अभी लाइट भी चलेगी है। बन चुके हैं इतने ज़्यादा गुलदस्ते, आप देख सकते हैं। ममता जी और मेरी ड्यूटी है गुलदस्ते बनाने की, और रेनू है साथ में, गुलदस्ते इतने बना दिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बनाई जा रही है मालाएं, क्योंकि जो पदाधिकारी हैं 5 उनको जो है मालाएं पहनाई जाएंगी। ये बन है, ये मुझे दे रहे हैं गुलदस्ता, थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत पंडित जी का। और मेरी तरफ से हाँ, जो भी लगातार वीडियो देखते हैं और जो भी वीडियो देख रहे हैं आप लोगों के लिए, मेरा भी ये है, मेरे ब्लॉग का नाम ममता यूको UK02 बागेश्वर है। अगर आपको हमारी ये भी आशा की वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, उसके बाद कभी हमारी भी वीडियो देख लेना, ये आपके लिए सब भी चल रहा है। अब ये पूरा दिख रहा होगा आप लोगों को, सबसे पहले पूजा पाठ होगी यहाँ पे, सरस्वती माता की फोटो बनी हुई है, सबसे पहले दिए की तैयारी चल रही है, उसके बाद फिर और काम आगे होगा। और ये सरस्वती का देखो आप, ये चित्र महिलाओं ने खुद बना रखे हैं ये, और नीचे जो है ये फोटो लगी हुई है लक्ष्मी जी की, और ये सरस्वती माता की फोटो जो है ये खुद ही जो है चार्ट में बना के लेके आए हैं ये है। और यहाँ पे पूजा की तैयारी चल रही है, सब लोग तैयारी में लगे हैं अभी, आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा तैयारी माया और रेनू की ये है। गेट पे ऐसे जो है रिबन बांध दिया गया है, और कुछ महिलाएं आती रह रही हैं, नीचे से आ जाओ अभी आप लोग, ये है फूल मतलब बहुत ज़्यादा हो गए अब। सबसे ज़्यादा आफत इसकी आई है रेनू की, और इसके बाद ना अभी स्वागत गीत चल रहा है, दिखाते हैं आप लोगों को। हाँ, क्योंकि बच्चों को भी यहाँ पे ना हारमोनियम के लिए बुला रखा है, कैसा गाते हैं देखते हैं। ये बच्चा कितना अच्छा हारमोनियम बजा रहा है,
है, फ्रूटी और समोसा मिल रहा है, पीछे ऐसे पार्टी जा रहे हैं। लगभग महिलाएं अब घर को जाने लग गई हैं। इतनी बड़ी पेटी लेके जा रही है, महिलाएं ना बारी बारी से आ रही, फिर उसके बाद ऐसे समोसे और फ्रूटी हो गया, और ये सारी चीज़ें महिलाओं के लिए है व्यवस्थाएं। कैसा लगा हमारा प्रोग्राम? अच्छा था। कितना अच्छा शुभ है ना, फल भी मिला है इनका काम करने का फल। ये दोनों ही है जो मतलब जिन्होंने मतलब 6-7 दिन से पूरी तैयारी करके रखी है। सुबह इतनी तैयारी करके रखी थी, अभी सो है सारा सामान समेटने लग गए हैं। देखो ये फूल उल सारे काम हो गए, ये भगवान की फोटो भी ले गए, बहुत ही प्यारा। अभी देखो कार्यक्रम पूरा निपट चुका है और इतने ही लोग हम बचे हैं अभी, है सारे लोग अपना अपना सामान उठा रहे हैं, और ये हम लोग अभी जाने लगे हैं घर को। सभी लोग कार्यक्रम निपटाने के बाद घर की ओर प्रस्थान। हाँ ये बागुनी जी जो है बिटोए जा रहे हैं, उनके पीछे से ब्योली के भाई, और ये बरखा सूट के पीछे से, और ये पीछे से ब्योली की दगड़ू सब, और ये सबसे आगे से दही का ठेका। ये देखो सर, क्या हो बर के भाई? मैं खुद बर हूँ सर, भाई बनाते रहो, बर मत बनाओ कभी, कभी बर बना दो, कभी भाई कभी मामा कभी चाचा बर का, ठीक है बर बन जाओगे ना सर। ये सूट कैश किसका है बर का? दहेज में मिला है। इनसे कह कर रात भर बजाना नाचना, ठीक है। मैडम आप क्या ले गए हो? मैं ये लेके आई हूँ कुछ गिफ्ट मिला है दहेज में दुल्हन को और ये दूल्हे के लिए टोपी, ठीक है। और ये पेटी में क्या है भाई? वो डिनर सेट।